वेलकम बैक, मैं हूं राणा प्रिंस और आप देख रहे हैं पाक्सी और सिलेवा। आज मैं आपके साथ TH14 के बारे में बात करूंगा। जी हां, मैं आज आपके साथ TH14 के बारे में ही बात करूंगा। उसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी, कब मिलेगा हमें TH14 और कौन से न्यू हीरो आएंगे, कौन से न्यू ट्रूप्स आएंगे और क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउनहॉल 14 आने वाला है, इसी खुशी में यार लाइक भी कर दें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें ताकि जो है मेरी सपोर्ट हो और मैं जो है प्रोग्रेस करूँ, और ये आपकी सपोर्ट के बिना कभी भी मुमकिन नहीं है। तो अभी मेरे पास सपोर्ट बहुत कम है आप दोस्तों की, तो काइंडली यार सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो में हम ये जानेंगे हमें कितनी वॉल्स मिलेंगी, किस तरह का टाउन हॉल मिलेगा, कौन से जो है डिफेंस मिलेंगे, कौन से ट्रूप्स मिलेंगे और कौन सा हीरो मिलेगा, हीरो के लेवल कितने होंगे, ज़्यादा होंगे और जो है लेवल इसके क्वीन के, वार्डन के और सबसे आला जो चीज़ है यहाँ पे रॉयल चैम्पियन को हमारे पास कितने आएंगे, क्या क्या चीज़ आएगी हमारे पास, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक स्नीक पीक है, अभी अगर आपने अगर गौर किया हो तो अभी 4 दिन पड़े हैं द लास्ट टाउन हॉल 13 चैलेंज को, तो मुझे उम्मीद है कि 4 दिन के बाद हमें जो है ये मिल जाएगा TH14 या शायद आज ही मिल जाए, क्योंकि TH14 अनाउंस हो गया है, उनका कोई पता नहीं उन्होंने कब निकाल देना। लेकिन जो है ज़्यादातर जो है ख्याल वो यही है कि हमें जब लास्ट TH13 चैलेंज को ख़त्म होगा तो उस वक्त हमें ये मिलेगा। अभी हमर जैम भी लगा हुआ है, वो 5 दिन पड़े हुए हैं उसको अभी भी, लेकिन चले मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ। टाउन ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे, टाउन हॉल 14 अनाउंस हो गया है। टाउन हॉल 14 यार देखने को तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये शायद जंगल के नेम से उन्होंने इसको नेम दिया है जंगल टाउन हॉल। टाउन हॉल 14 वैसे हम इसको कहेंगे, क्लैश ऑफ गेट रेडी टुडे अ ब्रांड न्यू टाउन हॉल लेवल वाज अनाउंस, टाउन हॉल 14 इज हेयर। टाउन हॉल 14 याद देखे कितना प्यारा लग रहा है, तो जब आएगा तो और भी प्यारा लगेगा। अभी हम इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। टाउन हॉल 14 ये टाउन हॉल का मैक्स लेवल है, लेवल 3 इसका है, ये शायद मैक्स लेवल है, और जो है बाकी बिल्डिंग भी आपके साथ सभी को शेयर करूंगा। टाउन हॉल 14 इन्होंने कहा ये जंगल थीम टाउन हॉल है, और इसके बाद अपग्रेडिंग टाइम इसका होगा 20 दिन, और अपग्रेडिंग कॉस्ट होगी इसकी 16 मिलियन गोल्ड, और स्टोरेज कैपेसिटी गोल्ड की होगी 2 मिलियन गोल्ड, और स्टोरेज कैपेसिटी एलिक्सर की होगी 2 मिलियन एलिक्सर। स्टोरेज कैपेसिटी डार्क एलिक्सर होगी 20K, डार्क एलिक्सर हिट पॉइंट होगा इसका 8900, जो कि अभी तक टाउन हॉल का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं इसकी एबिलिटी इसकी ये है कि टाउन हॉल 14 विल स्टिल हैव अ गीगा इन्फर्नो जो है इसका है, इन्फर्नो टावर ये है, जिस चीज़ को पकड़ लेगा वो मार के छोड़ेगा, उसके अलावा नहीं छोड़ेगा। दैट कैन बी अपग्रेड 5 लेवल जब आप इसको कर लोगे तो आपको गीगा इन्फर्नो मिल जाएगा। हाउएवर व्हेन द टाउन हॉल इज डिस्ट्रॉय, टाउन हॉल जब डिस्ट्रॉय होगा इट नाउ ड्रॉप अ पॉइजन बॉम्ब। वाओ, इन्होंने कहा ये पॉइजन बॉम्ब डिप्लॉय करेगा और जो है डील डैमेज भी करेगा, उसके बाद जो है एनिमी की स्लो भी करेगा। जो आपको पता है कि पॉइजन का क्या काम होता है, और पॉइजन ने वही काम करना होता है। अपग्रेडिंग टू टाउन हॉल 14 अनलॉक, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, 25 वाल पीसीस हमें मिलेंगी, उसके बाद 1x एयर बॉम्ब मिलेगा, 1x सीकिंग एयर माइन मिलेगी, और एक स्केल्टन ट्रैप मिलेगा, उसके साथ ही साथ एक बॉम्ब मिलेगा, और इसके साथ एक जॉइंट बॉम्ब मिलेगा। न्यू डिफेंस बिल्डिंग ट्रैप्स लेवल वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर आप एक तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा लेवल TH13 की वाल्स हैं और दूसरी तरफ है नहीं TH13 की वाल्स। अब हम लैब है इसकी, लैब देख लेते हैं कैसी नज़र आएगी। ये है TH13 की लैब, ठीक है, और यहाँ पे हर चीज़ है जी मैक्स, लेकिन यहाँ पे TH14 की लैब अभी तक नहीं आई, तो वो आएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेवल 12 की लेबॉरेटरी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद लेवल 10 का क्लैन कैसल हो जाएगा, लेवल 9 मैक्स लेवल है, और जो है गोल्ड स्टोरेज और एलिक्सर स्टोरेज का वह एक लेवल वर्थ पड़ जाएगा। 15 लेवल का गोल्ड स्टोरेज हो जाएगा और 15 लेवल का एलिक्सर स्टोरेज, और 9 का डार्क एलिक्सर स्टोर हो जाएगा, स्टोरेज होगा, और जो है
डिफेंस जो बड़े हैं वो हैं जी, लेवल 20 का कैनन मिलेगा हमें, लेवल 13 हिडन टेस्ला हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, और लेवल 9 बॉम टावर उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और लेवल 8 इन्फर्नो टावर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा लेवल 8 में, ईगल आर्टिली को लेवल 5 में, और स्कैटर शॉट को लेवल 3 में। स्कैटर शॉट तो यार लेवल 2 का भी है तो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, उसके साथ ही साथ जब 3 का हो जाएगा तो और भी ज़्यादा काम करेगा। अब बॉम है, और यहाँ पे वाल्स भी मैक्स होंगी लेवल 15 में, अभी लेवल 14 इसका मैक्स लेवल है वाल्स का, लेकिन लेवल 15 होंगी मैक्स लेवल। न्यू हीरो लेवल जो हमें मिलेंगे, बारबेरियन किंग लेवल 80 का हो जाएगा, आयरन फिस्ट हमें मिलेगी लेवल 16 पे, आर्चर क्वीन लेवल 80 की मैक्स लेवल होगी अभी 75 है, रॉयल क्लॉक लेवल 16 लेवल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड वार्डन लेवल 50 का है और 55 का हो जाएगा, एटर्नल टोम प्लस लाइफ योरा लाइफ लेवल जो है लेवल 11 में बढ़ जाएगा। रॉयल चैंपियन जो पहले लेवल 25 की थी अब लेवल 30 की हो जाएगी, सीकिंग शील्ड लेवल 6 का हो जाएगा उसका, ठीक है, वो जो फेंकती है एक चीज़ उस चीज़ को। लेवल न्यू ट्रूप्स, लेवल ट्रूप्स हमें क्या बढ़ेंगे, कौन कौन से बढ़ेंगे, लेवल 10 का बारबेरियन हो जाएगा, लेवल 10 की आर्चर हो जाएगी, लेवल 10 का हमें मिल जाएगा जी वाल ब्रेकर, लेवल 7 हीलर हो जाएगी, लेवल 8 बेबी ड्रैगन और लेवल 10 का मिनियन हो जाएंगे, और लेवल 9 वाल कैरी, और लास्ट पे है लेवल 6 का आइस कॉलम बढ़ेगा। न्यू स्पेल लेवल्स हमें अभी तक स्पेल का यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि न्यू हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन लेवल उसके बताए हैं, लेवल 7 का क्लोन हो जाएगा लेवल 8 का पॉइजन, लेवल 7 का पॉइजन यार बहुत काम करता है, तो लेवल 8 का पॉइजन उससे ज़्यादा करेगा। बैलेंस चेंजेस इसमें हैं, लेवल 6 क्लोन से स्पेल हाउस पेस इफेक्ट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 33 to 34, सुपर जायंट जो हैं एचपी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 200, उन्होंने कहा जी उसकी एचपी रिड्यूस हो जाएगी 200, सुपर मिनियन डैमेज पर सेकंड डीपीएस हैज़ बीन डिक्रीज बाय 50, उन्होंने कहा जी उसका डैमेज पर सेकंड हो जाएगा 50 हो जाएगा, एचपी हैज़ बीन इंक्रीज बाय 100, उन्होंने कहा जी हिट पॉइंट उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन्फर्नो ड्रैगन जो है यहाँ पे लेवल 2 डैमेज पर सेकंड हैज़ बीन डिक्रीज 80 to 1600 आ जाएगा 279 to 1580, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और हिट पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा 50 g। इन्फर्नो ड्रैगन है जी बीम कोल कूल डाउन टाइम हैज़ बीन इंक्रीज, अच्छा जी इन्फर्नो ड्रैगन का जो है कूल डाउन टाइम का जो है टाइम बढ़ गया है 0.5 सेकंड टू 0.6 सेकंड, इंक्रीज मैक्स स्पेल डोनेशन काउंट बाय 1 फॉर क्लैन ऑफ लेवल 4 एंड अबव। लेवल 8 इन्फर्नो टावर विल हैव 6 बीम्स व्हाइल इन मल्टीपल इन्फर्नो मोड। तो ये था मेरा स्नीक पीक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा, ये था स्नीक पीक जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और उम्मीद है कि हमें जल्द ही टाउन हॉल 14 देखने को मिलेगा। अभी टाउन हॉल मैं 12 पे हूँ, लेकिन जब टाउन हॉल 14 आएगा तो मेरे पास टाउन हॉल 13 होगा और मैक्स लेवल का होगा, उससे हम अपग्रेड करेंगे लेवल 14 में, ठीक है। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।